आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक एम सील का एक आटा है जो किस काम में यूज करते हैं। तो हम दिखाएंगे ये आटा किस काम में यूज करते हैं। और एक बात, आप जब न्यू माइक खरीदते हैं, ये जो माइक खरीदते हैं तो इसके पास ये एक जाम करने के लिए आता है। तो ये इस तरह से जाम करोगे तो वो खुल जाएगा। तो इसको, ये जो हमारे पास एम सील का एक प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पर लगा के हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है और बेहतरीन काम करता है। तो आप देखते रहे पूरे वीडियो, हमारे साथ बने रहे, आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको लगाता है। किस तरीके से यूज करते हैं इस आपको दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ पर इस तरह के कर लेना है क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है इसको मिक्स करना पड़ता है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसको यहाँ पर लगाना है। आप सब जो माइक यूज करते हैं तो आपको ये दिक्कत ज़रूर आता है, आपका माइक कभी कभी खुल जाता है और गिर जाता है, तो उसमें डैमेज भी हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है। इसका कीमत ज़्यादा नहीं, 20 रुपया है, तो आप आपके आसपास कोई भी दुकान में मिल जाएंगे। तो इसको इस तरीके से रख कर फिर इसको लेकर कुछ तरह से कुछ इसको करना है, जैसे एक टाइप से आ जाए, खूब ज़्यादा नहीं मारना, नहीं तो टूट भी सकता है। अच्छा होगा आप एक बम्बू लेकर, बम्बू को इसको इस तरीके से रख कर इसमें कुछ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इसको इस तरह से निकलना चाहिए। इसके बाद इसको कुछ 4-5 घंटे के लिए रख देना चाहिए। तो आपको इसको रख के फिर से बताएंगे ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बाय बाय।